हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास से जॉब टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि निकाला गया है पीएचडी से रिलेटेड, और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है तो आप जो है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता से आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जस्ट यूट्यूब पर सर्च करिए दीपक बायोलॉजी क्लास से जॉब टेलर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप मेरे चैनल का इंटरफेस उस टाइप से देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो वो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है पीएचडी एडमिशन के लिए वो बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑटम 2021। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा कि आपको जो है यहाँ पे स्टेटमेंट और पर्पस जो है वो लिखना है, और इसके अलावा जो है अगर आप किसी लाइक के जो भी पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फेलोशिप जो रहेगी वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगी। एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो आपका यहाँ पे आपका खुद की फेलोशिप होनी चाहिए, चाहे आपका सीएसआई यूजीसी जीआरएफ हो, डीबीटी जीआरएफ हो, आईसीएमआर जीआरएफ हो, डीबीटी डीएसटी इंस्पायर हो, डीबीटी बिंक और इक्विवेलेंट अगर पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर गेट है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या आपका डीबीटी कैटेगरी 2 है तब भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में, लाइक रेलेवेंट फील्ड में, चाहे आपका इंजीनियरिंग हो या साइंस टेक्नोलॉजी हो। वहीं आपका जो एस सी एस टी हो, अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका रिसेंट फोटो लाइक सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट जो है 28 ईयर्स है, लेकिन आपको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी इंटरव्यू के लिए जो है आप यहाँ पे मेंशन कर रखा है, लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर 2021 लास्ट डेट उन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद अगर आपको जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए आपको जो है बाई ईमेल या बाई फोन फोन के थ्रू आपको जो है यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पीएचडी का इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में रहेगा, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन की बेस पे। और अगर शॉर्टली और सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो आपका इंटरव्यू की बेस पे रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद अगर आपका यहाँ पे लाइक शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बाय ईमेल मोस्टली जो आपको यहाँ पे इंटीमेट आपको बताया जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आपको मे बी जूम के थ्रू या आपका स्काइप के थ्रू या मे बी ऑफलाइन भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू होने के बाद जो है आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी वो आपको जो बोस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 30 नवंबर 2021 है। डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स वो 10 दिसंबर है। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू जो रहेगा वो 3rd week of December 2021 रहेगा, और फाइनल डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी कन्फर्म व्हेन द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इज डिस्प्लेड ऑन द बोस इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। तो आपको बोस इंस्टीट्यूट वेबसाइट की आपको जो है रेगुलरली टेस्ट में रहना है। तो अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने पोजीशन कोड, नेम ऑफ फैकल्टी और जो आपका रिसर्च एरिया और डिजायर्ड मास्टर बैकग्राउंड जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप जिसके अंदर भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत से फैकल्टीज के, जितने भी फैकल्टी बोस इंस्टीट्यूट में, सबका यहाँ पे जो है इन्होंने टोटल प्रोजेक्ट वो क्लियरली मेंशन कर रखा है, और सारे सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है, चाहे आपका जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारा। तो आप यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो या जिसमें आपका इंटरेस्टेड हो जिस फील्ड में, आप उसके लिए जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्कॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे सारे जो है फैकल्टी और आपका जो प्रोजेक्ट जिस पे आपको काम करना है वो सारा इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।